प्रशासन की उदासीनता के चलते सैकड़ों परिवार हुए बेघर। शासकीय भूमि की करार रजिस्ट्री अब उजाड़े जा रहे हैं गरीबों के आशियाने। प्रशासन की उदासीनता और भूमाफियाओं की मिलीभगत से आज सैकड़ों परिवार अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी बेघर हो रहे हैं। इनके पास रजिस्ट्री पट्टा, खसरा नक्शा, ऋण पुस्तिका सब होने के बावजूद इन्हें अवैध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली से बड़ी पुल तक जाने वाले 40 फीट चौड़े नाले पर आज भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अनदेखा करके निकल जाता है। यह पूरा मामला पचमठा मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग में देखा जा सकता है, जहां से 40 फीट का नाला बड़ी पुल तक गुजरा था। वहां भूमाफियाओं ने नाले पर ही कब्जा करके घर बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि घोघर मोहल्ला डूब क्षेत्र पहले ही घोषित हो चुका है, बावजूद इसके प्रमुख नाले में भूमाफियाओं ने कब्जा करके उसे अपनी भूमि बताकर लाखों में बेच रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक और भूमाफिया सास की जमीन एवं नालों पर कब्जा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीब जमीन का दाम चुकाने के बाद भी आज बेघर हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। सही ने बानू, यहाँ आपकी भी जमीन है जी? किससे खरीदी थी आपने? सोनू भाई से। आपको जमीन जब बेची गई थी, नदी किनारे सास की जमीन थी, बोले थे पट्टे की जमीन है, सरकारी नहीं है। उन्होंने बोला कि पट्टे की जमीन है। हाँ, कुछ भी होगा तो हम साथ में है ना, हम है ना, वो तो यही बोले हैं। तो अब क्या समस्या, मतलब जब यहाँ से बाहर किया जा रहा है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वो फिर भी बोलते हैं हम दिलाएंगे, हम है मुआवजा दिलाएंगे। हाँ बोलते हैं असगरी बेगम। यहाँ जमीन आपने भी ली थी? हाँ है। किससे ली थी? सोनू भाई दिए थे। सोनू भाई दिए थे, क्या रेट ली थी आपने? वो हमारी उस तरफ जमीन थी, उसके बदले में हमको यहाँ दिया गया था। हम 8 साल से यहाँ रह रहे, झुग्गी झोपड़ी हमारी बनी है। ये बताइए कि हाँ। नदी के तट से 50 मीटर सरकारी नियम है, हाँ। ये शासन की होती है, फिर आप लोग कैसे यहाँ बसा दिया गया? अब वो यहाँ बसा दिए हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, लड़ने लायक तो है नहीं है। आपको ये जमीन ना जाएगी, हम हैं। ठीक, ये जब लोगों का घर हटाया जा रहा था, जब प्रशासन आया था, तो क्या बात हुई थी आपसे प्रशासन? सबसे पहले मैं घटनाक्रम ये बताना चाहता हूँ कि बिना किसी को सूचना, बिना किसी उसके, जब यहाँ काम शुरू हुआ, हमारे लोगों को ज्ञात हुआ, वो लोग आए, तो मैं भी यहाँ पे आया, मुझको बुलाया गया, तो मैंने जब चर्चा किया लोगों से तो बताया कि काम चल रहा, तो फिर हमने कहा कि भाई कोई जिम्मेदार लोग आए, इस पर चर्चा हो। तो दूसरे दिन SDM महोदय आए की मौजूदगी में, जब हमने उनसे चर्चा की और उनको बिंदुवार जानकारी दी कि इसमें ये व्यवस्थाएं और तमाम तरह की अनुज्ञा, भवन अनुज्ञा है और टैक्स दिए जा रहे हैं, फाइनेंस है, आवास का पैसा लगा हुआ है, और हमें ये बताएं कि क्या ये भूमि स्वामी नहीं है, और जब राजस्व दे रहे थे ये लोग, रिवेन्यू माने रजिस्ट्री का पैसा दे रहे थे, तो तब सरकार को या प्रशासन को उस पर रोक लगानी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल रजिस्ट्री तो हुई है और इसमें आवास का भी पैसा है, तो मैंने कहा कि ये क्लियर करें कि क्या ये भूमि सरकारी है। उन्होंने नहीं बोले, नहीं निजी अराजी की है। तो फिर इस पर अराजी का आपसे बताया गया जी, क्या आपको ये पता है कि नदी के तट से कितनी दूरी पर शासन की गाइडलाइन है कि वो शासकीय भूमि होगी? नदी के तट से तो 50 मीटर का मेरे समझ से प्रावधान है, लेकिन जो भी जमीन बेची गई है वो नदी तट से लगी हुई है। नदी तट से लगी हुई है, क्या आप मानते हैं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ? पुरानी बसाहट में जैसे, चूंकि अब आप लोग तो देख ही रहे कि किला है, उपराइटी है, तरहटी है, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे पुरानी बसाहट के समय पे गाइडलाइनें बाद में आई। घोघर बहुत पुराना मोहल्ला है, भले ये कॉलोनी नहीं बनी, लेकिन आप उपराइटी में अगर देखें तो नदी किनारे इसी तरह से बसाहट है। वो तो राजतंत्र की बात कर रहे हैं आप, अभी अभी की बात करिए कि अभी जो नई चीजें हैं, नए निर्माण, नए निर्माण में तो नदी तट का वो है, लेकिन पीड़ा ये इस बात की है, तो क्या प्रशासन मौन था कि रजिस्ट्री हो रही थी किस तरीके से, ये एक जाँच का विषय है। अभी हमारी एक दिन प्रशासन के वरिष्ठ लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री पे अब रोक लगा दी गई है। यही कार्य अगर पहले होता
तो ये गरीब जनता जो अशिक्षित है, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो बेचारे किसी तरीके से पैसा लेकर के सस्ते के चक्कर में, अपने मूलभूत सुविधा मकान के चक्कर में इन्होंने पैसा फंसाया। सैकड़ों लोगों ने जमीन खरीदी थी, ये किससे खरीदी? ये मोहम्मद मुस्लिम सोनू जी से खरीदी थी। उन्होंने भी कहीं किसी से क्रय किया, फिर उसके बाद प्लाटिंग करके इस तरीके की व्यवस्था बनाई। रईसा बेगम, ये जो जमीन आपने खरीदी थी किससे खरीदी थी? सोनू से। क्या रेट खरीदी थी? हम 500 में। 500 रुपये स्क्वायर फीट में। ये बताइए कि ये नदी के तट पे जमीन बेचे थे वो, ये शासन की जमीन है, कैसे आप खरीद सकते हो उससे? हमको नहीं मालूम था। आपको पता नहीं था? कितने की जमीन खरीदी इटको? हाँ, ये 5 लाख की पड़ गई थी। अब आप जब ये जमीन जा रही है आपसे, तो आपने उनसे कुछ बात की है? क्या कहे आपको उससे? हम कौन जिनसे आपने खरीदी थी? तो वो तो आते ही नहीं है। उससे बात की आपने? फोन लगाया? अरसद लोग को बुलाते रहे हैं तो बोले कि ना गिरेगा। कई बार हम लोग कहें तो बोले कि हम लोग हैं। तो कल आप लोग मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, क्या वहाँ पे आश्वासन मिला, कुछ बात हुई वहाँ पे? तो बोले तो हैं कि मुआवजा देंगे। मुआवजा देने आप 15 मीटर जाएगा, 3 मीटर के दीवार बनेगी, आप 15 फुट के 15 मीटर के लेंगे। चली जा रही है, कल मंत्री जी के यहाँ भी गए थे पूर्व मंत्री के। उसका सीधा मामला ये है, लगभग 5-7 वर्ष पुराना, वर्ष पहले यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बकायदा ज़मीन को क्रय किया, और क्रय इस आधार पर किया कि बकायदा उन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री कराने के उपरांत उन्होंने नामांतरण कराई, और नामांतरण कराने के उपरांत बकायदा नगर निगम से अनुज्ञा लिया। बहुत सारे लोगों ने बैंक से हाउसिंग फाइनेंस कराया, पीएम आवास का पैसा मिला, और समय समय पे हाउसिंग टैक्स भी देते रहे, और जो भी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो भी मैनुअल थे उसको फॉलो करते रहे। अब गवर्नमेंट ने और ज़िला प्रशासन ने अचानक जो है इन लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। तमाम लोगों का ये कहना है कि आप हमें हटा रहे हैं जो भूमि स्वामी लोग हैं, लेकिन हटाने से पहले हमें आप मुआवजा दो। आप एक अधिवक्ता हैं, आपको आप क्या बता पाएंगे कि ये शासन की क्या गाइडलाइन है कि नदी के तट पर कितनी दूरी तक शासन की जमीन होगी? ये शासन की गाइडलाइन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा, गवर्नमेंट ने भी कई बार कहा कि 100 मीटर की दूरी से प्लाटिंग होना चाहिए और रजिस्ट्री होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि जिन लोगों ने इस भूमि को क्रय किया है वो गरीब लोग थे, अशिक्षित लोग थे, वो लोग नहीं जानते थे, इस वजह से उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शासन की भूमि एक मतलब किसी विक्रय के द्वारा कैसे विक्रय की जा सकती है? अब ये तो वही बता सकते हैं, ये वही बता सकते हैं, इसका सवाल का उत्तर वही दे सकते हैं। क्या ये आपके संज्ञान में है कि ये भूमि किसने बेची? नहीं, हमारे संज्ञान में है, पुराने भूमि स्वामियों ने बेची है, हमारे संज्ञान में है बात। ये नाम जानते हैं उनका? नाम हाँ, जो बताया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि वो सोनू साहब के यहाँ से ये बेचा गया है। कई लोगों की उसमें आपत्ति है कि संवैधानिक वो 10,000 वर्ग फुट हमारा पट्टा है, रजिस्ट्री है, और बाउंड्री भी बनी थी, लेकिन वो अभी बाढ़ में 97 में जो गिर गई, फिर बनाए तो दोबारा, फिर 16 में जब आई तो फिर से गिर गई, तो वही बारी लगी थी, वही बारी ना लगी है, कोई निर्माण तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, पिलर किया गया बकायदा सीमेंट, पिलर वही पुराने हैं, नाले के ऊपर है वो पिलर, नाली 20 फुट छोड़ के है, मंजूरी भी 20 फुट छोड़ के है, मणिपुर रोड सेंटर से 20 फुट छोड़ करके बनाने की मंजूरी है अपनी, और वही 20 फुट छोड़ के मैंने पिलर बना हुआ था, पहले भी बना हुआ था, उसी को बराबर आ किया, साफ किया है, कोई निर्माण ऊपर तो करना ही नहीं अभी। नया निर्माण देखिए, हाँ, सरकारी नक्शे में 40 फुट का नाला नहीं, उसमें मंजूरी में तो रोड सेंटर से 20 फुट लिखा, अब 20 फुट छोड़ी के बनी थी बारी, वहीं से मैं फिर से बना रहे थे, लेकिन बंद कर दिया कि भाई रोड का जितना क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद अपन बनाएंगे। मतलब नाले के ऊपर निर्माण नहीं है, रोड सेंटर से 20 फुट की मंजूरी है, 20 फुट के बाद है मैंने वो बारी बनी थी, उसी में मैंने वो उसको ठीक करा रहे थे, मरम्मत करा रहे थे, तो रोक दिया है मैंने हमने कि भाई क्लियर हो जाए तब क्यों करिए। कई लोग मतलब एकत्रित हैं जिनका कहना है कि हमने जमीन सोनू भाई से खरीदी थी और इसके बाद ये शासन अपनी बता रही है, तो ऐसे में उनके साथ कैसे निर्णय होगा? कल करीब 100 लोग लगभग मंत्री जी गए थे, मंत्री जी ने बोला 10 मीटर जमीन हमको जरूरत है केवल,
10 मीटर से ज़्यादा हम कभी कोई की ज़मीन नहीं लेंगे, न खोच आएगी। अब वो मान गए तो काम करने के लिए हम मंजूरी दे रहे हैं। अब कोई अगर हमने बेची तो रजिस्ट्री होगी, पट्टा होगा, उसको चेक कराएं सभी से अगर हमने बेची हो। आपके द्वारा नहीं बेची? हमारे द्वारा नहीं कोई बेची। शासन का रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है ये नदी किनारे तट पर, वहाँ कई लोगों ने जमीन खरीदी थी, अब उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शासन की भूमि। ऐसे में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो क्या उसमें क्या गाइडलाइन है रजिस्ट्री करने की? शासन की भूमि का जहाँ तक सवाल है, शासन भूमि की तो रजिस्ट्री होती नहीं है, वो कोई ना कोई मतलब भू स्वामित्व की जमीन ही होगी। और जब रजिस्ट्री यदि प्रस्तुत होती है, रजिस्ट्री के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार जो भी नियम है उसको पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है दस्तावेज का। सर जब जमीन बिकती है तो क्या रजिस्ट्री कार्यालय से कोई निरीक्षण किया जाता है भू स्थल पर? नहीं, सामान्यतः है मतलब हर दस्तावेज का निरीक्षण करने, हर स्थल का निरीक्षण करने का कोई ऐसा वो नहीं है निर्देश, लेकिन सैंपलिंग के तौर पर इसको किया जाता है। सर यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती है वो किस आधार पर की जाती है? रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब नक्शे के आधार पे या खसरा देख? हाँ, उसमें नियम रजिस्ट्रेशन एक्ट पे ही प्रावधान है कि अगर कृषि की भूमि है तो कृषि भूमि में खसरा होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, और वो नक्शा खसरा ये आवश्यक है।